तो पहले आप इस चीज को देखो, आप जानते हो ये चीज क्या है? हाँ मेरे भाई, ये है कमेंट। किसके ऊपर भाई? लिटरली मेरे इस फॉर्मेशन के टीम बिल्ड के ऊपर, क्योंकि यार मैंने रिसेंटली इस फॉर्मेशन के साथ 15 में 15 विन मार के ये वाला टाइटल अचीव कर लिया था, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिखाया था आप लोगों को। और तो आप लोगों को मैंने बोला था, तो अगर आप लोग उस वीडियो में टीम बिल्ड के ऊपर कमेंट कर देते हो तो मैं आप लोगों के लिए इस फॉर्मेशन के ऊपर प्रॉपर एक टीम बिल्ड लेके आ जाऊंगा, जो आप लोगों ने बारीकी से किया है। तो बस आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में इस फॉर्मेशन को कैसे बिल्ड करते हैं, कौन सा प्ले स्टाइल यूज करना चाहिए, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन किसके ऊपर देना चाहिए, कौन सा प्लेयर चॉइस करना चाहिए, प्लेयर का रोल क्या होना चाहिए, और इसका अटैकिंग, जो मैं 3 अटैकिंग कॉमन अटैकिंग यूज करता हूँ वो भी बताऊंगा, और इस फॉर्मेशन का डिसएडवांटेज जो एक है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पहले एक लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मेशन को बिल्ड करने के लिए कुछ नहीं करना, अपने डिफॉल्ट फॉर्मेशन में जाना, जो 4-3-1-2 फॉर्मेशन है उसको सिलेक्ट करना, और यहाँ पे जो AMF है इसको एसेस कर देना। बस हो गया तुम्हारा टीम बिल्ड। अब बढ़ते हैं तुमको कौन सा प्ले स्टाइल इस फॉर्मेशन में यूज करना चाहिए। इस फॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट जो प्ले स्टाइल है वो है तुम्हारा QC या लॉन्ग बॉल। बाकी कोई सा भी प्ले स्टाइल इस फॉर्मेशन के ऊपर ट्राई मत करना, उतना भी इफेक्टिवली रन प्लेयर लोग फिर नहीं करेंगे, जो इस फॉर्मेशन का असली पावर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस फॉर्मेशन का कौन सा प्लेयर तुमको यूज करना चाहिए। तो मैं आपको 3-4 प्लेयर रिकमेंड कर दूंगा, आप उसी को यूज कर सकते हो। देखो GK में मैं पर्सनली, आप कोई से भी GK यूज कर लेना, लेकिन RB में मैं, अगर यहाँ पे मेरा तोमियासु नहीं होता तो मैं डैनिलो यूज कर लेता, नहीं तो सांगवान विशाखा, नहीं तो कुंडे यूज कर लेता। हाँ अब बढ़ते हैं हमारे LB के ऊपर। LB में मेरे पास अगर कोस्टा कुर्ता नहीं होता तो मैं लिटरली आपको रॉबर्टसन यूज करने को बोलूंगा, और अगर आपके पास कोई सा भी ऐसा डिफेंसिव कार्ड है जो डिफेंसिव फुलबैक है, अच्छा खासा स्पीड है, अच्छा खासा डिफेंसिव स्टैट्स है, उसको यूज करने को बोलूंगा। CB में आपको 2 प्ले स्टाइल यूज करना है, मैं 2 बिल्डअप यूज करता हूँ, आप चाहो तो यूज कर लेना, नहीं तो अगर आपको डिस्ट्रॉयर और बिल्डअप दोनों का प्लेयर चाहिए, मैं बिल्डअप में लिटरली ये 2 प्लेयर यूज करता हूँ, और अगर मैं आपको और भी 2 बिल्डअप का ऑप्शन दूँ तो मेरे हिसाब से मार्किनियोस और डीलाइट बेस्ट होगा। डिस्ट्रॉयर में मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, एक है तुम्हारा रूडीगर, दूसरा है उपामिकानो, और तीसरा है तुम्हारा रोनाल्ड आरेहो। तो ये 3 कार्ड आप डिस्ट्रॉयर में यूज कर सकते हो। DMF में मैं कैसेमिरो यूज करता हूँ, अदरवाइज मैं गिल्बर्टो सिल्वा यूज करता, नहीं तो वियरा यूज करता, नहीं तो मैं ये जॉन स्टोन यूज करता, और अगर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो मैं फ्रांस टीम का चुआमिनी यूज कर लेता, ठीक है। इस वाला जो CMF है, इसको ना आपको प्रॉपर एक ऐसा CMF यूज करना है जो हार्ड वर्कर हो, जिसके पास बहुत ज्यादा स्टैमिना हो, जिसके पास बहुत ज्यादा डिफेंसिव स्टैट्स हो, और जिसके पास लिटिल बिट 80 करीब करीब पासिंग हो। तो यहाँ पे मैं डेविस यूज कर रहा हूँ, मेरे पास अगर डेविस नहीं होता तो मैं कांते यूज कर लेता, अगर कांते भी नहीं होता तो यहाँ पे मैं कामाविंगा को यूज कर लेता, ठीक है। अब इस वाले CMF के बारे में बात करूँ, आपको मेरे पास यहाँ पे गॉर्डियोला है, मैं गॉर्डियोला यूज कर रहा हूँ, नहीं तो आप जाबी, इनिएस्ता, नहीं तो आप एक ऐसा प्लेयर यूज करना जिसके पास बहुत ज्यादा पासिंग हो, जो लिटरली गिरते पड़ते सोते हुए भी पासिंग कर दे आपके इन तीनों स्ट्राइकर के सामने, मतलब वो जो पासिंग बहुत अच्छा करे, आपको उसी को इधर खिलाना है, ठीक है। आप SS के बारे में बात करूं, SS एक ऐसा प्लेयर प्ले स्टाइल आपको यूज करना है लाइक गोल पोचर, जिसका कोई भी यहाँ पे कोई काम ही ना हो, जो ट्रिगर ही ना हो, लिटरली जो अंदर से एकदम बीच से रन कर सके, जो बीच बीच में एकदम खतरनाक वाला रन करे, ठीक है। यहाँ पे मैं मेसी खेलता हूँ, अगर मेरे पास मेसी नहीं होता मैं डेनिस लॉ यूज कर लेता, मैं एम्बापे को यूज कर लेता, मैं लिटरली कोई सा भी एक प्लेयर जिसके पास बहुत ज्यादा स्पीड और फिनिशिंग और लिटिल बिट पासिंग हो, मैं उनको यहाँ पे यूज कर लेता। 2 CF आप कोई सा भी CF यूज कर लो, लेकिन मेक श्योर करना आपके CF के पास बहुत ज्यादा स्पीड, ठीक ठाक वाला ड्रिबलिंग हो, ऑफेंसिव अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो, और ऊपर से फिनिशिंग और स्पीड तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ बहुत ज्यादा हो, और मेक श्योर करना आपके जो तीनों अटैकर है उन तीनों के पास डबल टच एंड शूट, लॉन्ग रेंज शूटिंग, 1 टच पासिंग और 3 पासिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन में आपके LB और RB को आपको डिफेंसिव कर देना है, ठीक है। जो डिफेंसिव फुलबैक यूज कर रहे हो फिर सोच रहे हो मैं क्या डिफेंसिव दूं, आपको फिर भी डिफेंसिव करना है, ये बात मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और आपके जो ये वाला SS है इसको आपको करना है काउंटर अटैकिंग, और आपके जो ये वाला SS है आपको इसको भी रखना है काउंटर अटैकिंग। मेक श्योर वो कोई से प्लेयर हो सकता है, कोई भी खिलाओ, लेकिन इन दोनों पोजीशन में जो भी प्लेयर आपको खिलाना है उन दोनों को काउंटर अटैकिंग करना है। अब मैं बताता हूं प्लेयर रोल।
देखो हर फॉर्मेशन में हर प्लेयर का अलग अलग रोल होता है, तो वही मैं आज तुमको इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात, पूरा डिफेंस लाइन और जीके का कोई भी रोल नहीं होता, उनका बस डिफेंसिव रोल होता है। तुम्हारा जो ये डीएमएफ है, इसका मेन रोल है ओपोनेंट के जो एक या दो जो सीएफ होगा उनको बीट करना, मतलब उनको कतई एकदम मार करके रहना। तुम ऐसे डिफेंडर डीएमएफ को लेके एकदम चले गए ऊपर, इधर उधर घुमा लिए, नहीं भाई, तुम्हारा डीएमएफ है, तुम्हारा एक ही काम है डीएमएफ का, ओपोनेंट के सीएफ को मार करना। वो तुम कैसे करो तुम जानते हो, लेकिन यही काम है। यहाँ पे जो सीएमएफ है इस साइड में, इसका मेन काम है बॉल को ऊपर देना, ठीक है, और दूसरा मेन काम है डिफेंस करना। इसलिए मैं तुमको यहाँ पे हार्ड वर्कर जिसका बहुत ज़्यादा स्टेमिना हो, जो पूरा फील्ड घूम जाए, ठीक है, मतलब जिधर भी बॉल जाए वो बंदा एकदम पीछे लग जाओ उसके साथ, एकदम पीछे लग जाओ, फिजिकल कॉन्टैक्ट यूज़ करो, कुछ भी करो, लेकिन इस बंदे के साथ पूरा तुम्हारा जो मार्किंग है, तुम जैसे एकदम डिफेंस करते हो इस बंदे के साथ करो, ठीक है, तुम्हारे इस डीएमएफ के साथ मत करना। और इस सीएमएफ का जो काम है, ये दो तरीके से काम करता है। एक है इस साइड में जिसका भी बॉल आएगा उसको ये तो डिफेंस करेगा, ये नॉर्मल है, लेकिन इस सीएमएफ का और एक काम है जो है पास डिलीवर करना। लिटरली इसको तुमको पहली बात पास देना है, तुम देखना ये कब फ्री होगा। जैसे ये फ्री हो तुमको इसके साथ नहीं तो पासिंग करके इन तीनों को बॉल देना है, नहीं तो देखना है कब यहाँ पे ये तीनों रन दे रहा है, तो उनको एकदम से तुमको पास करके निकाल देना है, समझे, ये है इसका मेन काम। अब इस वाले सीएफ के बारे में बात कर लेता हूँ। इस वाले सीएफ में तुमको एक ऐसा प्लेयर यूज करना है जिसके पास अच्छा खासा पासिंग हो, लिटरली 80 के करीब करीब पासिंग हो, लाइक डेनिस लॉ, लाइक तुम्हारा विनीसियस जूनियर हो गया, लाइक और भी बहुत सारे सीएफ है, तुम देख लेना, ठीक है। तो इसका काम है लिटरली इन दोनों को ऊपर रन करवाना, ठीक है, ये सिंपल है। इसका काम लिटरली 1-2 करके खुद अगर ऊपर जा सकता है बहुत बढ़िया, नहीं तो इन दोनों को ऊपर ले जाना है। और इन दोनों का काम है लिटरली गोल स्कोरिंग करना, जिसके लिए मैंने इन दोनों को काउंटर अटैकिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दिया है। तो समझ लिया हर प्लेयर का क्या क्या रोल है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे तीन पर्सनल फेवरेट अटैकिंग के बारे में। तो पहले टाइप के अटैकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने विनीसियस जूनियर को बॉल दिया, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा कि मेरा जो ये एसिस है क्या वो अंदर से खतरनाक वाला रन कर रहा है। अगर वो रन कर रहा है तुमको बस उसके रन को पिकअप करना है, कैसे, इस वाले सीएफ को बॉल देना और देखना ये कब अपने लास्ट लाइन डिफेंडर को बीट करेगा। फिर वैसे ही जैसे ही बीट करेगा तुमको इस वाले सीएफ से डायरेक्टली थ्रू पासिंग कर देना, इसलिए मैंने बोला थ्रू पासिंग इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ पहला टाइप का अटैक। दूसरा टाइप का अटैक क्या है, दूसरा टाइप का अटैक है मान लो यहाँ पे मैंने रूमी को बॉल दिया, ठीक है, तो रूमी के से मैंने सिंपल मेरे एसेस को बॉल दिया और मैंने रूमी को मैनुअली रन करवाया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं मेसी से यहाँ पे रूमी को पास नहीं करूंगा, मैं एक ट्रायंगल क्रिएट करूंगा जिसके माध्यम से मैं यहाँ पे मेसी से विनी को बॉल दूंगा और मैं क्विकली विनी से यहाँ पे थ्रू पासिंग दूंगा रूमी को, क्योंकि मैंने रूमी को मैनुअली रन करवाया, वो तो रन करेगा ही। तो मैं बिना किसी देख के मैंने विनी से डायरेक्टली थ्रू पासिंग किया और मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो ये हुआ दूसरे टाइप का अटैकिंग। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप का अटैकिंग। तीसरे टाइप का अटैकिंग बहुत सिंपल है, आपको सिंपल तीनों जो तुम्हारा दो सीएफ और एक एसिस है तीनों के साथ 1-2 कर लेना है, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होगा ओपोनेंट 1-2 नहीं पकड़ पाएगा, वो सोचेगा बहुत ज्यादा, और आप सिंपल 1-2 करके किसी भी सीएफ को निकाल सकते हो। ये हुआ तीसरा टाइप का अटैकिंग। चौथा टाइप का अटैकिंग क्या है, चौथा टाइप का अटैकिंग है आपने इस दो सीएफ को बॉल दिया और आपने देखा कतई आपका जो ओपोनेंट है वो आपके ये दो सीएफ को कतई मार करके रख चुका है, ठीक है। तो आप तब क्या करोगे, आपका जो ये दो सीएमएफ है इनको काम लगाओ, कैसे, इनके साथ 1-2 करके आप आपको सीएफ को निकालना है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से आप चार टाइप के अटैकिंग इस फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा ओवरपावर तरीके से कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्लेयर ओपोनेंट को मेरे जैसे खोल सकते हो, वो भी बिना किसी मुश्किलात में, ठीक है। तो होपफुली आपको अटैकिंग समझ में आ चुका होगा। आप इस फॉर्मेशन का मैं आपको डिसएडवांटेज के बारे में बताऊं। देखो इस फॉर्मेशन में पार्टिकुलरली आपके पास कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होता है, ठीक है। तो आपका डिसएडवांटेज जो मेन है वो है आप क्यूसी खेल रहे हो, आप ओपोनेंट को इजीली बॉल दे रहे हो, वो आपका डिसएडवांटेज हो सकता है। नहीं तो मैंने जो इस वीडियो में ये 5 मिस्टेक दिखाया है, कॉमन मिस्टेक जो हर कोई प्लेयर करता है, अगर वो 5 मिस्टेक के किसी एक मिस्टेक को भी आप करते हो तो तब हो सकता है। तो आपको कैसे जानना होगा, इस वीडियो को क्लिक करो और जाके जानो वो 5 कौन सा मिस्टेक है जो आपको भाई कतई नहीं करना, ठीक है। तो बिना किसी बकवास के आज का वीडियो यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट करके बताना आपका डिवीजन में रैंकिंग कितना हुआ।